जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शहादत पाने वाले 23 वर्षीय शहीद लवप्रीत सिंह का श्री हर गोविंदपुर के नज़दीक गांव माड़ी टांडा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें मौजूद लोगों की आंख तो नम थी ही शहीदी के चर्चे भी रहे। 23 वर्षीय शहीद लवप्रीत सिंह 16 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे, जिन्हें आज परिवार ने प्यार से राखी बांध सहरा सजा और माँ ने कंधा देकर विदा किया। लवप्रीत अविवाहित थे, परंतु उनकी सगाई हो चुकी थी। बहुत माण महसूस होता। मैं खुद एक रिटायर सूबेदार जसविंदर, मैं अपने बच्चे दे बहुत मैं फख्र है उत्ते, जिहड़ा अपने देश कौम लई अपनी जान नछावर कर गया, मेरे पिंड दा नाम रोशन करके गया। मैं अपने पुत्र दे बहुत बहुत बाकी आए हुए साहबान यूनिट दे कमांडेंट साहब, यूनिट दे होर अधिकारी साहबान, सूबेदार साहब, जिहड़े होर भी रैप आए हुए हैं प्रशासन वालों, बाकी MLA साहब, बाकी जिन्हें डिप्टी साहब, SDM साहब आए ने, सारा का मैं तह दिलों शुक्रगुजार करदा। जिहड़े मेरे पुत दे मतलब रिश्ता उन्हों का मार्च के तय होया सी, ते दिसंबर जनवरी के उन्होंने शादी का प्रोग्राम बनाया सी, लेकिन परमात्मा नूं कुछ होर ही मंजूर सी, वो अपने इस कार्ज विहार तो पहला ही दुनिया नूं छड्ड के चले गए। अंतिम दिन मेरी परसों गल हुई उन्होंने, परसों रात में गल हुई सी, ठीक ठाक रेंदे, मैं ठीक ठाक डैडी, अहीं चले रोटी खाण वास्ते। उहदे बाद कल दा दिन गया, बस परमात्मा दे हत्थ की कह सकते हैं, उहदे बाद पता ही नहीं लगा की हो गया की नहीं हो गया। शहीदां दी जन्मभूमि जिला गुरदासपुर ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सैक्टर च अपना एक होर लाल 16 राष्ट्रीय राइफल का सिपाही लवप्रीत सिंह कुर्बान कर दिता। तो सारे जानते कि पुंछ सैक्टर पिछले 3 दिन का काउंटर चल रहा है, एक दिन पहले साडा जवान उत्थे शहीद होया सी। उन्हां अतवादियों की टोह लैण वास्ते पट्रोलिंग ते सी, क्योंकि बड़ी कठिन हालातों में साडे फौजी वीर ड्यूटी देंदे ने, और पट्रोलिंग के दौरान ही लवप्रीत का पैर जिहड़ा है पहाड़ी तो फिसल गया और बड़ी गहरी खाई च गिर गया, और सिर ते चोट लगन कारण वो जिहड़ा है अपना बलिदान दे गया। मैं अज के दिन तो यो कहूँगा कि साडे वीर जवान बड़े कठिन हालातों में अपनी ड्यूटी देंदे ने। 23 साल का कला पुत, दूसरा भरा जिहड़ा है फौजी, अज उसकी भैन ने उसनू सिहरा बढ़ के विदा किया, अपनी रखड़ी पहना के विदा किया। इस तो बड़ा त्याग तो बलिदान की हो सकता है शहीद परिवार के लिए। मैं वाहेगुरु अगे बेनती करना कि इस परिवार को इस दुख में झलने की शक्ति देवे, क्योंकि पुंछ सैक्टर जिसके पिछले 3 दिनों तो काउंटर चल रहा है। देखो अज आए ने विधायक, देखो की होंगे, लेकिन शहादत का मुल नहीं मोड़ा जा सकता। शहीद परिवार का मान सम्मान ही उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए, Twitter और Instagram पेज को फॉलो कीजिए, और फास्टवे न्यूज पठानकोट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।